बहुत ही मोहतरम प्यारे भाई हसाम अहमद, मैं जब आप लोगों को थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड दे देता हूँ। जब मैं आज से एक दो साल पहले इस्लामाबाद गया था तो मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। मैं इनको देखता पहले से था जब से कराची में था, लेके इनसे मुलाकात हुई। जब पहली दफ़ा मुलाकात हुई तो मुझे बात याद आ गई, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर किसी को जानना है उसके साथ दो काम कर लो, एक उसके साथ सफ़र कर लो या कारोबार कर लो, आप पहचान जाओगे वो इंसान कैसा है। तो मैंने इनके साथ पूरा दिन, और मेरा कज़न कुपवा बेटा मुस्तफ़ा भी साथ में था, हमने पूरा दिन इनके साथ गुजारा और इनकी गाड़ी में गुजारा। इन्होंने पूरा इस्लामाबाद हमें दिखाया, हम लोगों को ये इन्होंने रेसिंग ट्रैक्स पे भी लेके गए, खाना वगैरह भी खिलाया, हम सारे घूमे, हम शहर घूमे, इन्होंने हमें सारे एरियाज़ दिखाए, सारी मार्केट्स वगैरह दिखाई। एंड बिलीव मी, मैंने इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ खैर देखी। तो माशाल्लाह से बहुत ही काबिल एहतराम और बहुत इज़्ज़तदार किस्म के शख्स हैं। और बता नहीं कैफो, आज कल मैंने इनकी वो न्यूज़ सुनी, मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ, दिल को बड़ी एक अजीब सी बेचैनी थी, बड़ा परेशानी थी। पॉजिटिव और इतने ऑप्टिमिस्टिक किस्म की इनकी इनकी गोल्स और एम्स थे, और ये न्यूज़ सुन के मैं बहुत परेशान हुआ, बड़ा डिस्टर्ब हुआ। दुबई आए हुए थे हम लोग, लेकिन बस एक अंदर से एक परेशानी थी कि मेरा भाई, मेरा दोस्त किसी पर इस वक्त दुख में, परेशानी में मुब्तला है। तो सोचा कि मेरा ये मैसेज ख़ास ये हसाम भाई आपके लिए, बी स्ट्रॉन्ग, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए कोई ना कोई खैर के रास्ते निकाल दे। ठीक है जी मेरे प्यारों, इस वक्त इंशाल्लाह हम लोग दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा वगैरह भी जाएंगे,